Good morning, children. Today we learn about a science experiment, right? आपको पता है साइंस हमारी लाइफ के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है. चाहे हम ब्रीद करते हैं, इनहेल एक्सहेल, अगर हम वॉक करते हैं तो हमारी वॉकिंग मसल्स बोन्स कैसे वर्क करती हैं, हमारी सारी सराउंडिंग्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद साइंस, राइट? तो अभी आज हम एक वाटर एक्टिविटी करने वाले हैं, आपकी फेवरेट वाटर एक्टिविटी. और इसमें हम देखेंगे कि हमारे आसपास की कौन सी ऐसी चीजें हैं, हमारे घर पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और जो नहीं करती है. ठीक है, सी वी हैव फ्यू आर्टिकल्स, राइट? फर्स्ट वन दिस फॉइल पेपर, सेकेंड टॉल हैंकिंग, थर्ड वन इज कॉटन, दिस थर्मोकोल, this is cotton hanging, this is tissue paper, and here we have two balls, small ball, big ball, and this is polythene, and here we have water in a bowl with a spoon. So let's start the activity, children. So now we'll take these articles one by one. Uspe hum we'll put a small amount of water and then we'll check कि इसमें कौन सी ऐसी आर्टिकल्स हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और कौन सी नहीं करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस फॉइल पेपर, वी पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट ऑन इट एंड हियर यू कैन सी वाटर उसके ऊपर ही है ना. तो इसने फॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया है. सेकेंड थिंग वी टेक दिस कॉटन एंड कॉटन पर जब हम वाटर डालेंगे सो हियर चलो आप देखते हैं कॉटन एब्जॉर्ब करती है या नहीं करती है. तो ये हमने थोड़ा और वाटर डाला है कॉटन पर एंड यू कैन सी कि कॉटन के ऊपर वाटर नहीं है, देखो है ना. तो कॉटन ने वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हियर यू कैन सी दिस इज थर्मोकोल. और अगर हम थर्मोकोल पर वाटर डालेंगे तो थर्मोकोल भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. वाटर देखिए इसके ऊपर एज इट इज है. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं लाइक थर्मोकोल एंड फॉइल पेपर, इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया था, तो इनको हम डू नॉट एब्जॉर्ब के अंदर रखेंगे. एंड कॉटन जिसने वाटर एब्जॉर्ब किया उसको हम एब्जॉर्ब के अंदर प्लेस करेंगे. सो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज tall hanging and again I am going to put water in it and here you can see, oh my god, देखो ये मैम ने डाला और ये साथ ही गायब हो गया. yes, तो देखो इसने tall hanging ने पूरा water absorb कर लिया. so we'll put it here in the absorb section. next I'm taking this tissue paper. Yes, of course it absorbs the water. ये देखो ये मैम अगेन आपको शो करेंगे. ये देखो वाटर डाला और गायब हो गया है ना. तो इसका मतलब है टिश्यू पेपर ने पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया. तो इसको भी हम एब्जॉर्ब कैटेगरी में रखेंगे. नेक्स्ट विल टेक दिस बॉल और इसके ऊपर अगर हम वाटर डालते हैं यू कैन सी, देखो ये वाटर बॉल के अंदर नहीं जा रहा है बल्कि ये साइड से होकर नीचे वापस बाउल में आ रहा है. तो इसका मतलब ये दिस इज अ प्लास्टिक बॉल और प्लास्टिक बॉल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है. सो वी पुट इट हियर. नेक्स्ट कमिंग दिस इज हैंकी, कॉटन हैंकी अगेन. अब इस कॉटन हैंकी पर अगर हम ये वाटर डालते हैं सो यू कैन सी विद इन फ्यू सेकेंड्स डिसअपीयर्स है ना. तो इसका मतलब हमारा कॉटन हैंकी जो है उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है. तो इसको हम एब्जॉर्ब सेक्शन में रखेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस पॉलीथीन एंड अगर हम पॉलीथीन पर वाटर डालते हैं यू कैन सी अगर ये अभी इस पर हमने वाटर डाला लेकिन पॉलीथीन ने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया, इस पर एज इट इज है ना. तो दैट मीन्स जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, थर्मोकोल है, ये चीज़ें वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती हैं लेकिन कॉटन या कॉटन से बनी या पेपर से बनी जो चीज़ें हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. नाउ गो एंड चेक, आप अपने घर से सामान ढूंढिए, आर्टिकल्स ढूंढिए और चेक
कौन से आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और कौन से नहीं।